उसके अलावा सनातन धर्म जो है उसमें काफ़ी सारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, लेकिन जो भगवद गीता है उसे प्रथम ग्रंथ कहा जाता है कि नहीं? हाँ जी, और इसलिए ऐसे क्या है, वैसे ग्रंथ तो सारे प्रथम ही हैं, इसमें गीता इस पार्ट ऑफ महाभारत, उसका भीष्म पर्व का पार्ट है वो, पर वो इसलिए आता है भगवदगीता का जो सेक्शन है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे 100,000 श्लोक हैं महाभारत में, तो 100,000 श्लोक हो गए सोने की अंगूठी, उसमें जो हीरा है 700 श्लोक का वो है भगवदगीता बेसिकली। सो भगवदगीता इज़ द प्राइमरी पार्ट ऑफ महाभारत। इनफैक्ट सारी महाभारत हुई इसलिए सो दैट वी रीच टू द जंक्चर दैट गीता कैन बी स्पोकन, सो दैट वाज द पर्पस ऑफ भगवदगीता। साथ ही भगवान ने खुद बोली है, सो इसलिए एक तो प्रॉफिट मैसेंजर ले दें वो भी नो डाउट वो दिव्य है, लेकिन साथ ही ना ये खुद भगवान ने बोली है, तो भगवान की वाणी को एज इट इज लिख दिया वेदव्यास जी ने, वाओ दैट्स आल्सो वंडरफुल। इसलिए भगवदगीता, और भगवदगीता क्या है, इट्स लाइक क्रैश कोर्स, जो कई उपनिषदों से होते हुए जो ज्ञान मिलता है ना वो भगवदगीता में आपको डाउनलोड। और साथ ही गीता के अंदर इतना खुला खुला भगवान बोल रहे हैं ना, उतना खुला खुला और कहीं नहीं बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, सब प्रकार के सांसारिक धर्मों को त्याग कर इकलौती मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, हे अर्जुन डरो मत, इतना खुला खुला भगवान और कहीं नहीं बोला, गीता में बोला। सो और इसकी शुरुआत इसकी आइडेंटिटी से होती दैट वी आर नॉट द बॉडी वी आर सोल, और कृष्ण का एक्चुअली महिमा क्या है, किस तरह से वो भगवान है, और भगवान का विश्वरूप दिखाना, ये सब ना एक्सक्लूसिवली भगवदगीता में हुआ है। तो इसलिए भगवदगीता इज मोर पॉपुलर अमंग ऑल द सेंटली एंड स्कॉलरली पर्सनैलिटीज।